press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कहते हैं प्यार ना मजहब देखता है और ना ही जात पात। छत्तीसगढ़ के 31 वर्षीय अविनाश बघेल द्वारा YouTube पर एक खुद का सॉन्ग कंपोज कर डालने के बाद इस पर एक रशियन सुंदरी का दिल आ गया। अविनाश दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। इस युवक ने एक गीत इश्क हुआ है मुझे कंपोज किया और उसे यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। यह सॉन्ग जब रूस की रहने वाली 23 साल की डियाना लिवा ने जब देखा तो उसके बोल अनुवाद कर समझे तो चैटिंग शुरू हुई जो प्यार में बदल गई। दोनों का प्यार परवान चढ़ा और अविनाश रूस के नालचिन टाउनशिप जा पहुंचा। यहां वह डियाना के परिवार से मिला और दो दिन पहले दोनों ने साथ फेरे भी ले लिए। अविनाश के पिता रामलाल बघेल बालको कंपनी में काम करते हैं और माँ रमा बघेल हाउसवाइफ है। वहीं रूस के नालचिन टाउनशिप में रहने वाली डियाना के पिता लुइसिया रिटायर्ड फौजी हैं, वहां माँ यूरा लिवा गृहिणी है। अविनाश की डियाना में से पहली मुलाकात 2 साल पहले इंटरनेट पर तब हुई जब उसने एक गाना कंपोज किया। शादी की बात को लेकर डियाना के परिजन उसे रूस बुला रहे थे। वीजा की वैधता और वहां के होटल में रुकने के लिए कोई कारण नहीं था, इसलिए कुछ दिन के लिए ही वीजा मिला था, लेकिन वहां पहुंचने पर 2 हफ्ते रुकना पड़ा। इसके लिए डियाना के परिजनों ने जिम्मेदारी ली और वीजा की वैधता बढ़वाई और वहीं रुकने के इंतजाम भी किए। डियाना और अविनाश की शादी पंडित विनय मिश्रा ने कराई। डियाना हिंदी नहीं जानती, इसलिए शादी की रस्मों का अनुवाद कर उन्हें समझाया गया। इस शादी के बाद यह जोड़ा बेहद खुश है।